दोस्तों आज हम सीखेंगे टेस्ट लैंप से कैसे स्टार्टर ट्यूबलाइट और चौक को चेक किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा टेस्ट स्विच बोर्ड है। पहले एक स्टार्टर लेते हैं और स्टार्टर के टर्मिनल पॉइंट को अपने टेस्ट लीड से दोनों टर्मिनल को सटाते हैं। अगर हमारा बल्ब इस तरह डायरेक्ट ग्लो ग्रो करे, जलता रहे, तो इस कंडीशन में हमारा स्टार्टर शॉर्ट कंडीशन कहलाएगा, इसका मतलब ख़राब है स्टार्टर। दूसरा स्टार्टर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार्टर बल्ब हमारा जल नहीं रहा, इसका अंदर से ओपन कंडीशन है। इस कंडीशन में दोस्तों स्टार्टर ख़राब कहलाएगा, अंदर से इसका ओपन है, यह कंडीशन ख़राब कंडीशन कहलाता है। देखिए नहीं जल रहा बल्ब हमारा, ये स्टार्टर ख़राब है। तीसरा स्टार्टर देखते हैं दोस्तों। ये स्टार्टर देखिए सटाने से, लीड सटाने से ये स्टार्टर हमारा बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा, स्टार्टर भी ब्लिंकिंग कर रहा। देखिए ये हमारा स्टार्टर ब्लिंकिंग कर रहा और ये हमारा बल्ब भी ब्लिंकिंग कर रहा है। ये स्टार्टर हेल्दी कंडीशन में है, ये स्टार्टर इस कंडीशन में अच्छा स्टार्टर कह सकते हैं इसको। दोस्तों अब हम ट्यूबलाइट चेक करेंगे। ट्यूबलाइट चेक करने के लिए हमें 200 वाट बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा 200 वाट का बल्ब है, इसको हम लगाते हैं। इसके बाद ट्यूबलाइट के ये फिलामेंट को चेक करते हैं, पॉइंट फिलामेंट पिन को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फिलामेंट पिन जल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं फिलामेंट जल रहा, इस साइड ठीक है। अब ट्यूबलाइट के दूसरे साइड को चेक करना पड़ेगा, दूसरे साइड को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये साइड हमारा फिलामेंट ओपन है, मतलब ये ट्यूबलाइट हमारा ख़राब कंडीशन है। ट्यूबलाइट ख़राब है, दूसरा ट्यूबलाइट देखते हैं। ये हमारा दूसरा ट्यूबलाइट है, इसके फिलामेंट पिन को टच करने से देखिए ये हमारा पिंक लाइट दे रहा, इसका मतलब दोस्तों इसका फिलामेंट पुराना हो गया है, ये अधिक वोल्टेज में ही जलेगा। या देखिए दूसरे साइड चेक करते हैं, देखिए इस साइड भी पिंक जल रहा, इसके लिए जलाने के लिए अधिक वोल्टेज या इलेक्ट्रॉनिक शॉक में यह ट्यूब जल सकता है। तीसरा ट्यूबलाइट देखते हैं दोस्तों। ये तीसरा ट्यूबलाइट को हम चेक करते हैं, फिलामेंट लीड में सटाते हैं। ये देखिए दोस्तों मिल्की लाइट दे रहा, इसका मतलब ये फिला ट्यूब हमारा हेल्दी कंडीशन है। इसका दूसरा साइड चेक करते हैं, फिलामेंट पिन को टच करने पर देखिए ये भी साइड मिल्की जल रहा है, मतलब ये ट्यूबलाइट हमारा हेल्दी कंडीशन में है। अब दोस्तों चौक को चेक करने के लिए हमें 200 वाट की या 100 वाट दोनों से चेक किया सकता है। हम 200 वाट से चेक करेंगे चौक को। ये देखिए दोस्तों ये हमारा चौक के टर्मिनल पॉइंट पर सटाने पर कुछ नहीं हो रहा, ये अंदर से इसका मतलब ये अंदर से ओपन है, ये अंदर से ये ओपन है, ये चौक खराब कंडीशन कहलाएगा। दूसरा चौक को चेक करते हैं, इसका टर्मिनल पॉइंट पर सटाने पर देखिए ये हमारा बल्ब ज़्यादा ग्रो कर रहा, ज़्यादा लाइट दे रहा बल्ब हमारा, ये अंदर से इसका मतलब ये हमारा चौक अंदर से शॉर्ट है, अंदर से ये शॉर्ट है, ये चौक अंदर से शॉर्ट है, ये कंडीशन भी ख़राब कंडीशन है, ये चौक हमारा ख़राब है। आइए तीसरा चौक को चेक करते हैं, टर्मिनल पॉइंट पर सटाते हैं। देखिए ये टर्मिनल पॉइंट पर हमारा सीरीज टेस्ट लैंप सटाने से हल्का ग्लो कर रहा, हल्का जल रहा है ये हमारा बल्ब। बॉडी पर भी चेक करते हैं,
देखिए हमारा बल्ब हल्का जल रहा है, इसका मतलब ये हमारा चौक हेल्दी कंडीशन में है, अच्छा चौक है।